हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो आज मैं बताऊंगी शुगर डायबिटीज़ के लिए घरेलू इलाज जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा तो आपके घर में ही मिल मिल जाएगा मैं ऐसा उपचार बताऊंगी कि अपने अपने घर में घरेलू उपचार से कैसे आप डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं शुगर को ठीक कर सकते हैं तो चलिए मेरे वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए तो चैनल बनने आया तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी न्यू आ रहे हैं और ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ तो आप है कि एक तो शुगर चेक करने के लिए अपने घर में मशीन रख सकते हैं और हमेशा पंद्रह दिन पे आप शुगर चेक कर सकते हैं कि आपका शुगर लेवल कितना बड़ा है कि कम हुआ है तो आप घर में घर में मशीन रख लीजिए छोटा सा आता है तो उससे आपको पता लग जाएगा तो यहाँ पे है कि तो चलिए मैं घरेलू उपचार बताती हूँ कि क्या है और किस चीज़ से आप अपना शुगर का इलाज कर सकते हैं तो यहाँ पे दालचीनी है जो दालचीनी आप घर में यूज़ करते हैं सब्ज़ी में डालते हैं या चाय वगैरह में डाल के पीते हैं तो वही मैं दालचीनी की बात कर रही हूँ जिससे आपका शुगर लेवल बहुत कम हो सकता है और तो दालचीनी का यूज़ आप जिस जिस रूप में करना चाहते चा चाहते हैं वैसे कर सकते हैं या, या आपने खाना बनाई तो उसमें थोड़ा सा इसका इसको डाल दीजिए जैसे तड़का लगाते हैं उस टाइम डाल दीजिए तो इस तरीके से सेवन कर सकते हैं या आप चाय बनाते हैं तो चाय में इसको भी डाल सकते हैं तो उस तरीके से इसका भी सेवन करके आप दालचीनी का सेवन कर सकते हैं तो या आप एक इसको इसका पाउडर बना लीजिए और थोड़ा सा गर्म पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं गर्म पानी के साथ इसको खा सकते हैं या थोड़ा गर्म पानी लेकर आप इसको उबाल सकते हैं मतलब गर्म पानी में आप इसको डाल दीजिए थोड़ी देर उबल जाएगा तो आप इसको इस पानी को पी लीजिए तो इस तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं तो इससे क्या है कि आपका डायबिटीज लेवल कम रहेगा और लिमिट के हिसाब से चलेगा और जड़ से भी जड़ से भी छूट जाता है डायबिटीज़ जड़ से ठीक हो जाता है आप इसका सेवन रेगुलर हमेशा करते हैं तो इस तरीके से आपका डायबिटीज़ का लेवल कम होगा धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर धीरे धीरे कम होकर जड़ से ख़त्म हो जाएगा तो देखिए आप इसको चाय में यूज़ कर सकते हैं चाय में थोड़ा सा इसको चाय बनाते हैं तो आप उस टाइम इसको डाल सकते हैं तो आप चाय के रूप में इसको सेवन कर सकते हैं और आपको जिस भी रूप में इसको सेवन करना है गर्म पानी के साथ पा, पानी में इसको उबाल के सेवन करना है तो उस तरीके से आप कर सकते हैं जैसे भी आपको सूटेबल हो उस तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं तो आई आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हम हाँ मेरे वीडियो को पूरा फुल वॉच करेगा तभी आपको समझ आएगा कि डायबिटीज़ के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ का सेवन कर सकते हैं तो मैं पहले भी एक वीडियो में बताई हूँ कि डायबिटीज़ के लिए क्या फ़ायदेमंद हो थैंक्स फॉर वॉचिंग